हरियाणा सरकार और रोडवेज यूनियन के बीच सहमति बन गई है। रोडवेज यूनियन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और सरकार की तरफ से उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। परिवार में एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो हरियाणा रोडवेज के कर्मी हड़ताल पर थे, जिसके बाद परिवहन मंत्री ने उनको 5 बजे चंडीगढ़ में यूनियन नेताओं को बैठक के लिए बुलाया था। बैठक में सहमति बनी है कि मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और सरकार की तरफ से उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। तो रोडवेज यूनियन हड़ताल खत्म हो गई है और ये उन हजारों लोगों के लिए राहत की खबर है जो रोज रोडवेज का सहारा लेते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है, राहत की खबर है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ सहमति बनी है? देखिए, मुख्य तौर पर 3 मांगे लेकर आए थे जो यूनियन में रोडवेज यूनियन के लोग हैं कि एक तो जो मृतक है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके अलावा 50 लाख मुआवजा दिया जाए और परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो इन मांगों पर सहमति बन गया है कि मुआवजा कितना दिया जाएगा इसके ऊपर है अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि मुआवजा कितना जाएगा, लेकिन अगर शहीद का दर्जा दिया जाएगा तो कम से कम जो मुआवजा है वो एक उचित मुआवजा उस तरह से परिवार को दिया जाएगा, क्योंकि शहीद का दर्जा जो है वो इस मृतक को दिया जाएगा। इसके अलावा जो है सरकारी नौकरी की बात भी की गई है कि सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और परिवहन मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री से बात करने के बाद इस परिवार को सरकारी नौकरी भी दिलवाएंगे और साथ ही साथ जो मुआवजे की बात थी वो उन्होंने मान ली है और शहीद का दर्जा दिया जाएगा। इस तरह से जो मुख्य मांगे थी उस मुख्य मांगों को लेकर जो यूनियन के लोग आए थे उन मांगों पर सहमति बन गई है, जिस वजह से जो बसों की हड़ताल की गई थी, चक्का जाम किया गया था, वो अभी से बसें जो है वो चलने शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में जो रात की शिफ्ट होती है उसमें चालक परिचालक आएंगे और बसें जो है वो एक तरह से अब चलने शुरू हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका।